अस्सलाम के दोस्तों सैन एंड्रीज एयरपोर्ट पे हूँ। बोगोता की फ़्लाइट है इस खूबसूरत आइलैंड को खैरबाद कहने। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि कॉस्ट के हवाले से कि क्या कॉस्ट पड़ रही है, तो मैंने कहा आप थोड़ा सा डिग डाउन करो और आपको सोचा कि शेयर करूँ कि क्या कॉस्ट रफली पड़ी। 5 नाइट्स का स्टे था तो होटल जो मिला वो तकरीबन $950 का मिला। इसके बाद फिर आपकी ट्रांसपोर्ट जो आपकी है, जो जिसमें बाइक एक ली थी और कुछ टैक्सी वगैरह लिए, तो सारा मिला के तकरीबन $350 का तकरीबन पड़ गया, तकरीबन 1300 हो गया। अच्छा, ये कॉस्ट ऑब्वियसली मैं अकेला था तो सारी मुझे बेयर करनी पड़ी। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ आते हैं तो उसमें भी दो लोगों में भी सेम, अगर ट्रांसपोर्ट लेते हैं, टैक्सी लेते हैं या बाइक लेते हैं तो दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, तो वो डिवाइड हो जाती है, तो 1300 की जगह समझ लें हाफ हो गई, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है। इसी तरह होटल भी जब आप लेते हैं तो नॉर्मली दो लोगों के लिए होता है, लेकिन अगर आप एक रहें या दो रहें तो कॉस्ट सेम ही होती है, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी फ्रेंड के साथ आ रहे हैं तो आपको कॉस्ट हाफ पड़ जाएगी इसकी। इसके अलावा जो फ़्लाइट है, आप फ्लाइट डोमेस्टिक फ़्लाइट सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पता नहीं आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं बोगोटा या काली से यहाँ की जो रिटर्न फ़्लाइट थी वो तकरीबन $400 की पड़ गई। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया से कोलंबिया की फ़्लाइट वो तकरीबन $3000 की पड़ जाएगी, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं करा, तो 400 हो गए, 1300 प्लस 400 तकरीबन 1700। खाने पे तकरीबन $350 मेरे ख्याल से रफली खर्चा हुआ, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ऑब्वियसली बाहर से ही खाना खाता हूँ तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो ये तकरीबन 2050 हो गए। और बाकी जो टूर्स मैंने करे हैं वो मेरे ख्याल से तकरीबन 350 के तकरीबन टूर थे, तो ये $2400 समझ में, और $100 मेरे ख्याल से इधर उधर कहीं स्पेंड हुआ होंगे, तो तकरीबन $2500 जो है ये 5 नाइट्स में ऑलमोस्ट स्पेंड हुए हैं। जस्ट टू गिव एन आइडिया कि इस तरह के अगर आप रिमोट लोकेशन पे आते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ती है। बाकी ये कि ऑब्वियसली अगर आप किसी और सिटी जाते हैं, सिटी में थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाती है, होटल्स पे भी डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं, बट जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप होटल और उसमें अगर आप किसी के साथ आएंगे ट्रांसपोर्ट तो वो आपकी कॉस्ट आती हो जाएगी। चलें गाइस, आपको प्लेन में बताते हैं कि फ्लाइट है सुबह उसकी, प्लेन में मिलेंगे फिर आपको बोगोटा जाके, फिर और अपडेट करूँगा अपने ख्याल रखिए। दोस्तों ये सैन एंड्रीज एयरपोर्ट है, देखिए पंखे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्कूल की कोई बिल्डिंग है, कोई गवर्नमेंट स्कूल की, इट्स वेरी फनी। दोस्तों बोगोता पहुंच चुका हूं, ये डोमेस्टिक टर्मिनल है, अराइवल्स है, अपना सामान का वेट कर रहा हूं। देखिए प्रीटी इंटरेस्टिंग, बोगोता में सर्दी है, एयरपोर्ट से निकलते, प्लेन से निकलते के साथ ही ठंड लगी। अभी कुछ दिन यहां पे स्टे, फिर नेक्स्ट जगह जाएंगे, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करता हूं, ख्याल रखिएगा।